ये देखिए राहुल से सेल्फी के लिए इस लड़के ने कहा, ये देखिए राहुल से सेल्फी के लिए इस लड़के ने कहा, और ये देखिए राहुल से सेल्फी के लिए इस लड़के ने कहा। देखिए राहुल गांधी का भाषण यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, और देख बड़ी बात है, राहुल गांधी अंग्रेजी में बोलते हैं और उसके बाद नागालैंड में जो यहाँ पर भाषा है उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, राहुल की बात पर ताली बजा रहे हैं, और राहुल जब बोलते हैं, ये देखिए राहुल से सेल्फी के लिए इस लड़के ने कहा, और राहुल को सेल्फी जो है वो दिखाई। आप दिखाएंगे मोबाइल में आपकी सेल्फी दिखाएंगे, राहुल गांधी की सेल्फी दिखाइए आपकी, जो राहुल गांधी के साथ में अभी आपने ली है दिखाइए। तो ये क्या नाम है आपका? नील है? नील, नील। तो अभी अभी इन्होंने बोला कि आप राहुल जी मेरे साथ में एक सेल्फी लीजिए, और ये देखिए तुरंत राहुल जी ने इनको बुलाया, और अभी जस्ट वो मंच से उतर करके आए थे, स्टेज से उतर करके आए, और उसके बाद में दिखाइए जरा विजुअल दिखाइए आप। तो जैसे ही उतर करके आए, इस लड़के ने राहुल से कहा कि मैं आपसे एक सेल्फी लेना चाहता हूं, और तुरंत राहुल ने यस बोला, और उसके बाद में सेल्फी। तो ये एक बड़ी बात है, और निश्चित तौर पर यही यात्रा की एक बड़ी बात है कि लीडर आपके एक कहने पर, एक कॉल पर, आपके एक बुलावे पर वो आपके साथ में कंधा जो है वो मिला देता है। ये एक बड़ी बात है। जैसे ही वो राहुल गांधी वहाँ से मंच से उतरते हैं, यहाँ से एक लड़का वो कहता है कि मुझे आपके साथ में सेल्फी लेनी है, और ये देखिए थार गाड़ी के अंदर अब राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज यहाँ से अब मीडिया पॉइंट पर राहुल गांधी को जाना है। और देखिए अब एक एक आदमी यहाँ पर राहुल गांधी से हाथ मिला रहा है। तो ये एक बार फिर से दिखाइए जरा। तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कॉमन मैन है? कॉमन मैन है। कॉमन मैन है। एक मिनट, क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? नहीं, हम तो छोटा बिजनेस करते हैं। छोटा बिजनेस करते हैं। तो ये आपने पहले से सोचा था कि ऐसे राहुल गांधी के साथ में सेल्फी लेना है या बोला? हाँ, है सोचा, पहले सोचा था। हाँ, अच्छा। तो अभी बोला आपने, उम्मीद थी कि राहुल एकदम से तैयार हो जाएंगे? उम्मीद था होप थी आपको कि राहुल आप बोलेंगे, और जैसे आपने ये तुरंत हो गया, जैसे ही वो उतर करके आ रहे थे, मैं देख रहा था कि जैसे वो उतर करके आ रहे थे और आपने बोला और तुरंत सेल्फी। बताइए जरा, बोलिए। नहीं, हम ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। ओ, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो देखिए ये कॉमन मैन है जो कह रहा है कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है। लेकिन राहुल देखिए जरा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये शख्स मेरे साथ में यहीं पर खड़ा हुआ है, और हम लोग लगातार जो है वो लाइव बातचीत कर रहे थे। यहाँ से ये कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से राहुल गांधी ये 20 कदम की दूरी भी नहीं है, 10 से 20 कदम की दूरी है, और राहुल गांधी वहाँ से उतर करके आते हैं, और ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा हुआ था ये कहता है कि मुझे आपसे एक सेल्फी लेनी है, और राहुल झट से तैयार हुए। झट से तैयार होते ही राहुल ने उनको तुरंत सेल्फी दे दी। तो ये एक मैसेज है राहुल गांधी के लिए। यहाँ पर लोगों का जो प्यार है वो आप देख सकते हैं, और अब राहुल गांधी का भाषण जो है वो ख़त्म होने की तरफ है, और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे, भीड़ इतनी भयंकर है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर बातें कही, अपनी बातें रखी। I spoke about the injustice that the Prime Minister did to Manipur by not visiting Manipur. Why? तो मणिपुर की बात को भी राहुल गांधी यहाँ पर दोहरा रहे हैं, मणिपुर की बात को यहाँ पर रख रहे हैं, और एक मैसेज जो राहुल गांधी मणिपुर से और नागालैंड, क्योंकि मणिपुर से मुंबई की यात्रा है और जिसको न्याय यात्रा का नाम दिया गया, तो मणिपुर से इस यात्रा को राहुल गांधी वो आगे लेकर के चलेंगे मुंबई की तरफ, तो मणिपुर का जिक्र होगा। और ये देखिए आप, लोग हर कोई जो है वो शिद्दत से यहाँ पर खड़े होकर के सुन रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं वो राहुल की बात पर तालियां बजा रही हैं, वो सुन रही हैं राहुल की बात को, और सुनने के बाद में यहाँ पर देखिए इंडिया के साथ में यहाँ पर जो है वो
लोग सुन रहे हैं राहुल गांधी को, और खड़े होकर के, कोई कुर्सियां नहीं लगी है, किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और लोग यहां पर सुन रहे हैं और लगातार ताली बजाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी की, कि इस यात्रा के जरिए एक मैसेज देने में वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा के जरिए वो एक मैसेज कन्वे करने में वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। और चौथा दिन है आज, और चौथे दिन राहुल गांधी की यात्रा के लिए सुबह सुबह जो लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है। और यहाँ से अब राहुल गांधी वो आगे निकलेंगे तो वो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। और ये जरा झंडे जो हैं वो आप दिखाइए, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, हमरो पार्टी, उनका सिंबल जो है वो आप देख सकते हैं, उनके झंडे आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती है वहाँ पर जो स्थानीय पार्टियाँ हैं या इंडिया गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं वो भी अपना समर्थन, अपना सहयोग कांग्रेस की इस यात्रा के साथ में दिखाती हुई दिख रही है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक जिस तरह से वो सोच रहे थे वो यहाँ पर होता हुआ जो है वो जरूर दिखाई देता है। कहाँ जाते हो आप? राहुल गांधी से अगर वो दिल्ली में है, या कोई भी नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर वो दिल्ली में है, और अगर कोई बड़े से बड़े नेता भी नागालैंड से अगर निकल करके जाए, सांसद निकल करके जाए, यहाँ से कोई विधायक निकल करके जाए, या कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी निकल करके जाए, तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसको मुलाकात का समय लेना पड़ेगा, और तब जा करके आपकी मुलाकात हो पाएगी, तब जा करके आप किसी नेता से मिल पाएंगे, और उसके लिए भी आपको 100 तरह की चेकिंग आपकी की जाएगी, आपका बैकग्राउंड तलाश किया जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गलत संगठन से जुड़े हुए हैं, या विरोधी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप किसी अपनी बॉडी के अंदर कोई गलत चीज़ या वेपन लेकर के तो नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी आपकी बाकायदा चेक होगी, बैकग्राउंड आपका चेक होगा, आपका बायोडाटा देखा जाएगा कि आप कौन हैं जो राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं। 100 बातें होती हैं आपसे, और उसके बाद में भी आप मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे वो तय नहीं है, या मिल पाएंगे तो जरा सा एक हाथ लगा करके एक हेलो हो गया तो बहुत बड़ी बात है, और उस दौरान आपकी फ़ोटो वो आ पाती है या नहीं आ पाती है वो भी श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली से 3,000-2,500 किलोमीटर की दूरी नागालैंड पर हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर अगर एक राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है और एक कॉमन मैन वहाँ से निकलता है और निकल करके कहता है कि राहुल जी मैं आपसे सेल्फी लेना चाहता हूँ, और झट से राहुल यहाँ पर जो है वो तैयार हो जाते हैं, और तैयार होते ही राहुल जो है उसको सेल्फी दे देते हैं। तो एक बड़ा मैसेज है, ये बड़ा संदेश है, और जाहिर तौर पर चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो और दूसरे नेता हो, उनको दरवाजे खोलने पड़ेंगे, लोगों के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरी में ये नेता जीतते और हारते इन लोगों की वोट की वजह से ही है, और अगर आप इन लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, सारी चीज़ें फिर जो है वो अपने आप में बनावटी दिखावटी हो जाती हैं। लेकिन क्या ये इस तरह की राजनीति जो यात्राओं के अंदर दिखाई देती है, जो रोड शो के अंदर दिखाई देती है, क्या वो बाकी के दिनों के लिए भी कंटिन्यू होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर बैरियर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कि नेताओं के आगे जो अलग अलग तरीके के बैरियर होते हैं कि आपको राहुल गांधी से मिलना है या किसी और बड़े नेता से मिलना है, तो पहले स्थानीय स्तर के नेता वो तय करेंगे कि आप आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, फिर उसके बाद में उससे और बड़े स्तर के नेता जो है वो तय करेंगे, फिर उसके बाद में जो स्थानीय पुलिस है वो तय करेगी, फिर उसके बाद में जो सुरक्षा बल हैं वो तय करेंगे, और उसके बाद में राहुल गांधी की सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी जो राहुल गांधी की है वो तय करेगी कि आप राहुल गांधी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो सोचिए कितनी लेयर हैं, कितने स्तर पर जो है वो आपको काटते हुए, कितने स्तर पर आपको पार करते हुए वो आगे पहुंचना होता है, तब आप किसी लीडर से मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक झटके में, एक चुटकी में, एक आवाज़ पर कि राहुल जी सेल्फी लेना है, और तुरंत आपको सेल्फी मिल जाती है, और वो लड़का निकल गया, बात भी नहीं कर रहा है, वो लड़का कह रहा है कि मैं मीडिया कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नेता होता
तो वो तो इस फोटो को लेकर के चमक जाता, और वो लड़का जो है वो मेरे बगल में यहाँ पर खड़े होकर के आधे घंटे के लिए बोलने के लिए तैयार होता। वो लड़का तमाम तरह की बातें बताता, वो लड़का तमाम तरह से राहुल गांधी का महिमा मंडन करता, और वो लड़का जो है वो उस फोटो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करता, माहौल लूटने की कोशिश करता, और वो लड़का उस फोटो के जरिए वो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर अपनी जगह तलाशने की, जगह बनाने की कोशिश करता। लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद में, फोटो खिंचवाने के बाद में, राहुल गांधी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद में वो लड़का तुरंत आगे निकल गया। तो इसका मतलब सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि वो एक कॉमन मैन था। जो राहुल गांधी यहाँ पर आए तो उसकी इच्छा हुई, या वो राहुल गांधी को हो सकता कि लाइक करता था, और इसीलिए बस उसने राहुल को कहा, और राहुल ने जैसे ही उसको देखा तो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए और उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाई। अगर ये प्लांटेड तरीके से होता तो सोचिए राहुल को वहाँ से कहा जाता कि काले रंग की जैकेट के अंदर फलाना एक लड़का है, उसको आपको सेल्फी देनी है, तो कितना मुश्किल काम ये जो है हो जाता, कितना मुश्किल काम जो है ये हो जाता कि वहाँ से आना है, फिर उसके बाद में एक लड़का यहाँ पर बोलेगा और उस लड़के को आपको ये बोलना है, तो एक बड़ी अलग बात होती। लेकिन अब वो सेल्फी को शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरी उम्र अपने फ़ोन से कभी डिलीट कर पाएगा और अपने घर की दीवार पर एक बड़े फ़ोटो के तौर पर उसको रखेगा। और ना केवल जो है ये सेल्फी तक बात जो है वो होनी चाहिए, बल्कि बात ये होनी चाहिए कि कोई समस्या भी अगर किसी कॉमन मैन को है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई शिकायत किसी पार्टी के किसी नेता से है, तो वो भी उस पार्टी के नेता तक ऐसे ही चुटकी में पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पर देश भी बदलेगा, देश की राजनीति भी बदलेगी। लोगों के ख्याल जो नेताओं के प्रति है कि राजनीति तो ऐसे ही है, ये नेता तो बस आते ही हैं, ऐसे ही आकर के इनको तो भाषणबाजी करनी है और भाषणबाजी के अलावा इनका और कोई काम नहीं है, ये तो आए हैं इसलिए क्योंकि हारे हुए हैं, ये तो आए हैं इसलिए क्योंकि इनको वोट चाहिए और इनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो भीड़ आई है वो पैसे की भीड़ है, तो वो सारी बातें जो लोगों के दिमाग में डाल दी गई है या लोगों के दिमाग में हैं, वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो बदलती हुई नज़र आती हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी से इस लड़के की जो मुलाकात है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकती है जनता के लिए भी, और वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकती है नेताओं के लिए भी। आप इस बातचीत के बारे में जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।